हेमा मालिनी ने अपनी बेटी ईशा और आहाना के सनी और बॉबी से मिलन पर बड़ी बात बोल दी है। पिछले दिनों दुनिया के सामने आई देओल परिवार की इस तस्वीर ने सबको खुश कर दिया। 40 सालों में पहली बार सनी देओल और बॉबी देओल अपनी सौतेली बहन ईशा और आहाना के साथ नजर आए। इस तस्वीर को देखकर पिता धर्मेंद्र भी इमोशनल हो गए। गदर 2 की सफलता ने देओल परिवार को जोड़कर रख दिया। अब बच्चों के इस मिलन पर हेमा मालिनी का फर्स्ट रिएक्शन सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि वो ये सब देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन वो ऐसा महसूस नहीं करती कि ये कुछ नया हुआ है। हेमा ने कहा कि उनके लिए ये बहुत नॉर्मल बात है। हेमा ने खुलासा किया कि सनी देओल और बॉबी देओल उनके घर पर आते रहते हैं, लेकिन वो कभी इसका प्रचार नहीं करते। हेमा ने कहा कि सनी और बॉबी तस्वीरें लेने और उन्हें तुरंत इंस्टाग्राम पर डालने वालों में से नहीं है। हेमा मालिनी ने कहा कि हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, अगर कोई परेशानी होती है तो सभी हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये पहली बार है कि मीडिया ने ऐसा होते हुए देखा है। सनी, बॉबी, ईशा और आहाना सभी से लेकर बहुत खुश हैं। पिछले दिनों सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी के दौरान हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नजर नहीं आई थीं। इसके बाद इनके रिश्तों में अनबन की खबरें आने लगी थी। इस शादी के बाद धर्मेंद्र ने अपनी बेटियों से सरेआम एक पोस्ट लिखकर माफी भी मांगी थी, लेकिन अब हेमा का कहना है कि उनके परिवार के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जा रहा है कि सनी देओल के उनकी सौतेली बहनों से रिश्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि इस साल वो बॉबी देओल के साथ रक्षाबंधन पर अपनी बहनों के घर भी जाएंगे। ये वो नजारा होगा जिसे दुनिया पहली बार देखेगी। देओल परिवार के करोड़ों फैंस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 40 साल बाद ही सही, लेकिन देओल परिवार के रिश्ते अब अच्छाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। वेल, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।